हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट इज़ कम्प्लीटली ओके इफ़ यू डोंट क्लियर योर सी एग्ज़ाम्स दिस टाइम। इट इज़ कम्प्लीटली ओके इफ़ यू डोंट क्लियर योर सी आईपीसीसी एग्ज़ाम्स दिस टाइम। एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके इफ़ यू आर परस्यूइंग एनी प्रोफेशनल डिग्री और आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करते हो, तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे मैं ये होप करता हूं कि आपको आपके पर्सपेक्टिव में रिज़ल्ट को लेकर एक मेजर चेंज आएगा डेफिनेटली। तो अगर आप एक रिज़ल्ट, सीए रिज़ल्ट या मे बी आईपीसीसी रिज़ल्ट या फिर मे बी आप एक प्रोफेशनल डिग्री के रिज़ल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हो, तो ये आपको डेफिनेटली एक पर्सपेक्टिव में आपके चेंज लाएगा वीडियो। आई होप सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो मैंने कुछ पॉइंट्स अपने नोट कर रखे हैं स्क्रीन पे, तो आई स्टार्ट इट बाय पॉइंट्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग सी ए। जब मैंने सी ए में इनरोल किया था, इवन आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग कॉमर्स, बट सर्कमस्टांसेस की वजह से कॉमर्स ली, फिर सी ए में इनरोल किया। एंड लाइक काइंड ऑफ आई वॉज, सब बोल रहे थे तो सी ए के अंदर घुस गया। लाइक इट वॉज नॉट एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इट वॉज नॉट माई पर्सनल चॉइस टू गेट इन टू द सी ए, बट इट वॉज काइंड ऑफ फोर्स्ड ऑप्शन फॉर मी। सो आई गॉट इन टू द सी ए करिकुलम। सीपीटी मैंने क्लियर करी, देन आईपीसीसी क्लियर करी, आर्टिकल शिप कम्प्लीट करी, एंड देन सी ए फाइनल क्लियर किया। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैंने तीनों ही लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर ली। लक भी कह सकते हैं इसे आप, और एफर्ट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लक से आप सीए को क्लियर, सिर्फ हार्ड वर्क से आप सीए को क्लियर नहीं कर सकते। बिकॉज ये मान के चलिए कि जो भी सीए कर रहा है वो अपना सब मेहनत पूरी कर रहा है, एफर्ट्स पूरे लगा रहा है, तो देर इज़ लाइक रिजल्ट होता है वो 5-10% रहता है या 12% रहता है। तो there is a luck factor also involved in it. So मेरा luck factor बोल दो, मेरा efforts बोल दो, CA clear हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, CA clear करने के बाद job का option था, like practice का option था नहीं, और खुद का business का इतना option था नहीं, तो बचा job का option। It was an instant money, तो job के अंदर job search चालू हुई, और I got rejected in like multiple companies। मल्टीपल कंपनीज में मेरा रिजेक्शन हुआ, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं था, वो स्किल्स ही नहीं थे इंटरव्यू क्रैक करने के। तो मल्टीपल कंपनीज में रिजेक्शन हुआ, मतलब मल्टीपल कंपनीज में लाइक बारक्लेज एंड ENT, काफ़ी सारी कंपनीज में रिजेक्शन हुआ। उसके बाद लाइक एक डिस्परेट हो गए थे जॉब के लिए, कि मतलब अब जॉब मिल नहीं रही है तो क्या करें, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए बस कैसे भी करके, उसमें आप घुस जाओ, किसी भी तरह से आपको जॉब में आना है। बिकॉज एक प्रेशर बिल्ड होता है कि यार सबकी जॉब लग रही है और आप कंटिन्यूसली रिजेक्ट हुए जा रहे हो, आपने सी ए भी कर ली, डिग्री भी ले ली, आर्टिकल से भी खत्म हो गई। तो उसके बाद डेस्परेटली एक सी ए फर्म में जॉब स्टार्ट करी, और उसके अंदर काफ़ी कोई बहुत हाई पैकेज भी नहीं था, प्लस प्रोफाइल भी लाइक वो नहीं थी जो मुझे चाहिए थी, एटलीस्ट मेरे इंटरेस्ट की प्रोफाइल भी नहीं थी। तो उस सी ए फर्म में जॉब की, जॉब करती रही काफ़ी टाइम तक, साल डेढ़ साल उसमें जॉब कंप्लीट करी, जॉब करी, फिर वहाँ से भी लाइक बिकॉज यू आर नॉट एन्जॉइंग द जॉब, यू आर नॉट गेटिंग एनफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो फिर वहाँ से स्विच करने का मन किया, और इसी तरह से अगेन सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए, पैसों के लिए बिग फोर में स्विच किया। बिग फोर में भी वही प्रोफाइल वॉज नॉट दैट अमेजिंग, इट वॉज एन GDS, ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज थी, तो बेसिकली जो वर्क रहता है वो उतना लाइक डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रहता क्लाइंट्स से, और वर्क काइंड ऑफ रहता है बेसिकली मोस्ट मोर इन्वॉल्व इन टू क्लरिकल नेचर ऑफ वर्क। इनिशियली कुछ 4-5 सालों के लिए तो क्लरिकल नेचर ऑफ वर्क रहेगा उसमें। तो उसको ज्वाइन किया, उसमें भी एक पॉइंट पे बोर हो गए, उसमें भी एक टाइम के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल, तो फिर क्विट करी कि अब चलो खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो वही क्लाइंट प्लेस पे जाओ, लाइक क्लाइंट बिल्डिंग करो, क्लाइंट प्लेस पे विजिट करो, ट्रैवल करो 60-60 किलोमीटर्स लाइक अप डाउन, एंड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था प्रैक्टिस के अंदर, बहुत ज़्यादा लाइक प्राइस कटिंग थी, लोग बहुत सस्ते में काम कर रहे थे, और उससे भी सस्ते में करके दो, प्लस जिससे काम लो उसको भी बहुत लाइक जिससे तू भी वर्क आता है उसको भी
मतलब काम जो आप करके दे रहे हो वो क्वालिटी का होना चाहिए, उस हाई क्वालिटी का, और आपको उतनी कॉस्ट नहीं मिल पा रही होती। तो प्रैक्टिस के अंदर भी काफ़ी साल 1.5 साल फ्रस्ट्रेशन रहा, काफ़ी प्रेशर रहा। तो फिर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सोचा कि इतनी मेहनत करके सीए करी क्लियर, क्या उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, अभी भी लाइक काइंड ऑफ पुटिंग एफर्ट्स इन टू द एफर्ट्स इतना डाल रहे हैं, बट लाइक क्या एफर्ट्स ही डाल रहे हैं, कुछ उसका फ्यूचर भी नहीं दिख रहा था कि हाँ लाइक वी आर गोना गेट देयर, कि हाँ चलो इतनी एफर्ट्स डाल के भी एक फ्यूचर दिख रहा हो कि हाँ वी विल अचीव दिस और वी वुड क्रिएट अ सिस्टम जिससे बाद में एक बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा सेटअप हो जाए। तो फिर मैंने देखा यार ये अपने प्रैक्टिस भी पार नहीं पड़ रही है अपने, और प्रैक्टिस भी पार नहीं पड़ रही है, प्लस अपना ये जॉब का सिस्टम भी अपने सेट नहीं बैठ रहा है। तो फिर एक लैपटॉप था प्रैक्टिस में, डेफिनेटली मैं खुद था, लैपटॉप था। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन ऑनलाइन जॉब्स, ऑनलाइन मनी, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, व्हाट सर्विसेज वी कैन प्रोवाइड। चालू कर दिया रिसर्च डे नाइट, दिन डे नाइट, डे हो चाहे नाइट हो, पूरे टाइम पे लाइक रिसर्च ये कैसे हो सकता है। जितना ऑफिस का काम था वो कंप्लीट किया, जो भी स्मॉल क्लाइंट्स थे या जितने भी क्लाइंट्स थे उनका काम कंप्लीट किया, फिर सारा का सारा टाइम दिया ऑनलाइन, पैसा कैसे कमाना उसमें। 100% अपना ऑनलाइन, मतलब 100% अपना दिया रिसर्च के अंदर, बहुत रिसर्च करी, काफ़ी साइट्स पे अप्लाई किया, कंटिन्यूसली स्ट्रगल किया। लाइक उसके लिए भी अगर आप चाहते हो एक वीडियो बनाऊँ कि कैसे फ्री ऑनलाइन मनी, ऑनलाइन पैसा जनरेट हो सकता है फाइनेंस फील्ड के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो कंटिन्यूसली फाइनेंस साइट पे डाला, प्रपोजल्स डाले, कंटिन्यूसली सबमिट किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, काफ़ी काफ़ी जद्दोजहद कहते हैं उसे। उसके बाद जाके कुछ स्टार्ट हुआ और धीरे 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 चीज़ें, लाइक बड़ा कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। सॉरी बाहर बारिश हो रही है तो नॉइज़ आ रही होगी। तो बहुत जद्दोजहद के बाद चीज़ें धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हुई, और आज वो पोजीशन आ गई कि किसी भी जॉब में वो एक्साइटमेंट लेवल नहीं होता, वो रेमुनरेशन नहीं होता, वो फ्रीडम नहीं होती जो आज है। तो और जो अभी जो काम कर रहा हूँ उसमें सीए का डिग्री का रोल 5% है, मे बी वो 10% भी नहीं है। मोस्टली स्किल्स, आपकी स्किल सेट, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी क्वालिटी डिलीवरेबल्स, आपका प्रॉम्प्टनेस, आपका क्लाइंट को कैसे बेस्ट बेटर वे में आपको सेटिस्फाई करना है, सारा कुछ उस पर डिपेंडेंट हो रहा है। बिकॉज सर्विसेज सारी आउटसाइड कंट्री को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के क्लाइंट्स के साथ स्ट्रगल था, वो तो सारा ड्रॉप डाउन हो गया। आपका टेक्निकल स्किल्स प्लस आपका प्रॉम्प्टनेस पे, आपका क्वालिटी डिलीवरेबल्स पे सारा एम्फेसिस आ गया, जो कि स्ट्रेंथ थी। तो चीज़ें बहुत अच्छे से मूव ऑन हो गई। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन ये हुआ कि जो सीए रिजल्ट है वो एकदम अच्छा हो गया मेरा, लाइक सीपीटी, आईपीसीसी सब क्लियर हो गया। फिर भी प्रॉब्लम तो वही रही, सेम टू सेम, उसके बाद भी स्ट्रगल ही था। तो अनलेस एंड अनटिल जो आपका गोल है, आपका पैशन है, या आपका जो बिल्ड करने का आपका जो फोकस है, अगर वो आपको क्लियर है, अभी एट द मोमेंट ही क्लियर है, तो आपको जो रिजल्ट है उस पर आपका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब आप उस स्किल्स पे काम करिए, आप उस पर एफर्ट्स डालिए, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा टू थिंक अबाउट द रिजल्ट। देन रिजल्ट वुड बी लाइक इन मटेरियल टू यू। ठीक है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, आपने एफर्ट्स डाले हैं पूरे, बट आपका जो गोल है वो उससे बड़ा है, तो बिगर पिक्चर में आप इस रिजल्ट को, बहुत छोटा हो जाएगा आपका। तो होपफुली लाइक इस स्टोरी से आपको एक पर्सपेक्टिव चेंज करने में हेल्प मिली होगी कि रिजल्ट इज़ ओके, आ जाएगा, अपने एफर्ट्स डालें तो उसका रिजल्ट अच्छा भी आ जाएगा, ख़राब भी आ जाएगा, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड, बट वॉट इज़ इन योर हैंड इज़ योर बिगर पिक्चर, जो आप करना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। तो उस पर आप फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट की परवाह, रिजल्ट की टेंशन लेने का टाइम ही नहीं बचेगा, और आप उस चीज़ को बिल्ड कर पाएंगे जो आपके डिज़ायर है, जो आपको फ्रीडम दे सकती है एक्चुअल लाइफ में। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नहीं हेल्पफुल रहा है तो कुछ आपको और क्वेरी है, जो भी आपको डाउट लग रहा है आप पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कमेंट ऑन इट, हेल्प ऑन इट। आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई एम लर्निंग टू मेक यूट्यूब वीडियोज़, तो अभी धीरे 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 करते करते होपफुली इम्प्रूव हो जाए फ्यूचर में द स्टोरी टेलिंग में भी। बट स्टिल देन जैसा बन रहा है वीडियो उसी से हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगा हो वीडियो तो डिसलाइक कर देना।
आई टेक इट एज एन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और मैं उससे इम्प्रूव करूँगा, और आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या इम्प्रूव किया जा सकता है तो वो भी कर लेंगे। तो टिल देन हैव अ ग्रेट डे। और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या आपको करियर ऑनलाइन कैसे आप अर्न कर सकते हो उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन वॉट यू हैव, वॉट यू वॉन्ट टू बिल्ड, जस्ट फोकस ऑन दैट।